हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परदेसी फ्लाइट पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, इंडिया से कई सारे देशों के लिए, खास तौर पर इंडिया से सऊदी के लिए, इंडिया से दुबई के लिए, ओमान के लिए, इसके अलावा कनाडा के लिए, यूएसए के लिए और भी कई सारे देशों के लिए फ्लाइट बंद होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लेबर, बहुत सारे प्रोफेशनल अभी इंडिया में फंसे हुए हैं और वो उन देशों में लौट नहीं पा रहे हैं जहां पे फ्लाइट पर पाबंदी लगी है। इसको लेकर विदेश मंत्रालय लगातार सवालों के घेरे में है। अब ताज़ा स्थिति ये है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस ब्रीफिंग दी है। उस दौरान उनसे पूछा गया कि भारत सरकार विदेशी सरकारों पर एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते अपने यात्रा प्रतिबंधों को हटाने के लिए क्या दबाव डाल रही है, जबकि इस समय भारत में कोरोना के केस कम हो गए हैं। ये सवाल पूछा गया था भारतीय विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन अरिंदम बागची से। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इस मामले को विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न प्लेटफार्मों पर लगातार उठाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि प्रतिबंधों में ढील हमारे सभी देशों के लिए कोविड के बाद आर्थिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रतिबंधों में ढील देने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, उठाए जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि और भी देश भारत से लोगों की आवाजाही को सामान्य बनाने की दिशा में कदम उठाते रहेंगे। तो ये उन्होंने कहा कि भारत में जिस तरीके से कोरोना के हालात सामान्य हो रहे हैं, वो उम्मीद करते हैं कि जिन सरकारों ने, जिन देशों ने भारत की फ्लाइट पर, भारत से आवाजाही पर रोक लगाई हुई है, वो बहुत जल्द पाबंदी को हटाएंगे, ऐसी उन्होंने उम्मीद की है। इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में से आधे से ज़्यादा देशों ने जो कोविशील्ड वैक्सीन है इंडिया की, उसको मान्यता दे दी है। साथ में उन्होंने जिक्र किया कि प्रतिबंधों को हटाने की दिशा में भारत के विदेश मंत्री ने एक महीने पहले सऊदी अरब के विदेश मंत्री से इटली में बात की है। इसके अलावा उन्होंने जिक्र किया भारतीय जो विदेश राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन, उन्होंने भी लगातार बात की है अन्य देशों के राजदूतों के साथ में, भारत के राजदूतों के साथ में। तो प्रतिबंधों को हटाने की दिशा में उन्होंने कहा कि भारत सरकार पूरी गंभीरता के साथ प्रयास कर रही है और उम्मीद करिए कि आने वाले दिनों में बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहा है भारतीय विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन अरिंदम बागची ने। बहरहाल दोस्तों, इस पर हमें अपडेट का इंतज़ार है कि फ्लाइट ओपन होने को लेकर क्या कुछ खबर आती है, खासकर सऊदी को लेकर, दुबई को लेकर और जो कई सारे देश हैं जहां पर पाबंदी लगाई हुई है। तो उन देशों पर देखना है कि कब पाबंदी हटती है। बहरहाल दोस्तों, आगे इस पर कोई अपडेट होगी तो आप तक शेयर की जाएगी। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।